नमस्कार दोस्तों, पूर्णा से अकोला खंडवा सेक्शन वर्ष 1960 में भारतीय रेलवे में शामिल हुआ था। मीटर गेज के साथ में इस पर सेवाएं शुरू की गई थी। इसके बाद में पूर्णा से अकोला का सेक्शन वर्ष 2007-08 में और अकोला खंडवा सेक्शन में पूर्णा से अकोट का सेक्शन वर्ष 2020 में ब्रॉडगेज हो चुका है। वर्तमान में पूर्णा से अकोला के बीच में ट्रेनें चल रही हैं तथा जो विद्युतीकरण का कार्य सेक्शन में चल रहा है। वहीं बात करें अकोला से अकोट का सेक्शन 45 किलोमीटर लंबाई का, इसका बनने के बाद से इस पर ट्रेनों का संचालन नहीं किया जा रहा है। रेलवे विभाग की न जाने क्या मंशा है, वह अभी तक इसका उद्घाटन कराने में सफल नहीं हुई। हमने RTI के जरिए पता लगाया कि क्या कारण से इसका कार्य रुका हुआ, तो उनके द्वारा रेलवे बोर्ड में उक्त मामला लंबित होने की बात कही है। वहीं इस क्षेत्र के लाखों लोग रेल सेवा बंद होने से काफ़ी लंबे समय से परेशान हो रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी इसका लाभ यात्रियों को नहीं मिल रहा है। वहीं जो स्टेट हाईवे है अकोला से अकोट होकर जाने वाला, इसकी हालत भी लगातार खराब चल रही है। इसी मार्ग पर स्थित गांधीग्राम गांव के पास में पूर्णा नदी पर बने ब्रिटिशकालीन पुल को दिनांक 18 अक्टूबर 2022 को एक हिस्सा अचानक गिरने का खतरा उत्पन्न हो गया तथा यातायात के लिए इसको सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है। अकोला से अकोट की दूरी करीब 45 किलोमीटर की है, लेकिन यह गांधीग्राम वाला पुल बंद होने से अकोला से अकोट जाने के लिए नागरिकों को अकोट से अमरावती जिले के दरियापुर तहसील होते हुए करीब डबल अंतर पड़ रहा है। इससे लोगों का भाड़ा भी बढ़ गया है, साथ ही समय भी ज़्यादा लग रहा है। इसके लिए क्षेत्र के लोगों के द्वारा केंद्र सरकार से गुजारिश की गई है कि जो अकोला से अकोट का करीब 2 साल से तैयार रेल मार्ग पड़ा हुआ है, उसको यातायात के लिए खोला जाए। इसी का अनुरोध करते हुए स्थानीय विधायक श्री रणधीर सावरकर जी, जो कि अकोला पूर्व से विधायक हैं, उन्होंने माननीय रेल राज्य मंत्री श्री राव साहब दानवे जी को लिखा है। इसमें उक्त घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए उनसे गुजारिश की है कि जो उक्त रेल मार्ग अकोला से अकोट के बीच में तैयार हो चुका है, उस पर ट्रेनों का संचालन अतिशीघ्र किया जाए, क्योंकि वर्तमान में जो पुल टूट गया है गांधीग्राम के पास में, उसके बंद होने से लोगों को काफ़ी आर्थिक नुकसान हो रहा है। साथ ही इसकी वजह से लोगों का समय भी काफ़ी बर्बाद हो रहा है, क्योंकि लंबे मार्ग से उन्हें यात्रा करना पड़ रही। इसी को देखते हुए जो अकोला अकोट का दक्षिण मध्य रेलवे का रेल मार्ग है, उसको जल्द से जल्द लोगों के लिए शुरू किया जाए तथा उस पर केवल एक ही ट्रेन यदि चला दी जाएगी तो इससे काफ़ी सहूलियत लोगों को हो जाएगी। तो इस रेल मार्ग के बारे में यह फिलहाल में एक जो बड़ी समस्या लोगों के साथ में खड़ी हो गई है। यदि कोई ट्रेन का संचालन इससे किया जाता है तो इससे लोगों को काफ़ी फायदा आने वाले समय में होता है। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। इस बारे में आप अपनी राय जरूर दें। आप सभी का धन्यवाद।